मैं प्रज्ञा और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे मिर्च के पौधे में मिर्च हुआ है और आप इसको देख सकते हैं। ये हाँ, ये मिर्च का पौधा एक्चुअली मैंने लगाया नहीं था। जो हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो मैगी ज़रूर खाते हैं और आप लोग भी खाते होंगे, तो उसमें मिर्च और टमाटर के बिना तो स्वाद आता नहीं है। तो हम लोग जो भी टमाटर और बीज काट के डालते हैं तो उसमें जो भी बीज बचता है वो हम लोग गमले में डालते हैं और उसका आप देख सकते हैं कि किस कितना सुंदर ये हमारा ये मिर्च जो दिख रहा है। इसको फिलहाल मैं तोड़ने वाली नहीं हूँ, देख करके ही खुश हो रही हूँ, बट तोड़ लूँगी क्योंकि यहाँ पे आते जाते लोग शायद इसे तोड़ ना लें, क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले भी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग भी इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा और ये इसमें कुछ करना नहीं होता है। एक्चुअली हॉस्टल लाइफ में ये होता है ना कि फटाफटक हम लोग कुछ भी खाते हैं बनाते हैं, तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं कि आप बस बीज डालिए, आते जाते बोतल में जब पानी लेते हैं तो आप उसमें पानी डालते जाइए तो ये अपने आप होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये आप ग्रीन देखिए, क्योंकि हमारी गार्डनिंग भी ऐसे ही हो रही है आजकल। और ये करी पत्ता है और ये छोटे छोटे जो गमले हैं इसमें भी मैंने बीज डाला था। तो और ये लेमन ग्रास है। फिलहाल हैप्पी न्यू ईयर, और मेरी रूममेट ने बहुत बढ़िया टोस्ट बनाया है जो मैं खाने जा रही हूँ। तो फिलहाल के लिए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।